सिंगरौली में 41,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका महाअभियान के तहत लगाया गया। दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान के दौरान लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। सिंगरौली में वैक्सीनेशन के लिए लोग सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों में खड़े रहे। इस दौरान किसी ने वैक्सीन की पहली डोज तो किसी ने दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीनेट हुए लोगों ने सभी से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की। लोगों ने बताया कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। गौरतलब है कि 275 टीकाकरण केंद्रों में 41,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों का बड़ा हाथ रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने भी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सिंगरौली जिले में टीकाकरण अभियान महाअभियान के तहत 25 और 26 अगस्त दो दिन में 55,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। यह हमें बताने में आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पहले दिन ही 40,000 से ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आज दूसरे दिन का दिन लगभग हम सब लोग 14 से 15,000 टीकाकरण कराने की हमारे पास डोज की व्यवस्था है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।